नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी में बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन धूमधाम के साथ आज मनाया गया, जहां भक्त उत्साह के साथ मंदिर पहुंचे और बाबा के श्रृंगार के साथ उन्हें भोग लगाया और प्रसाद रूपी भंडारे का आनंद लिया। आपको बता दें, मंदिर ही नहीं बल्कि घरों में भी बाबा के भक्तों ने प्रसाद बनाया और लोगों को बांटा, तो वहीं सुबह से ही मंदिर में भीड़ देखने को मिली और भजन कीर्तन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। वहीं इस मौके पर भंडारे का आयोजन हुआ और बाबा खाटू श्याम से खुशहाली की कामना की गई। इस मौके पर मंदिर के पुजारी और भक्तों से जब बात की गई तो उनकी बाबा के प्रति श्रद्धा और उत्साह देखता बना। आप भी सुने किसने क्या कहा। 31वां जन्मदिन मना रहे हैं बाबा का और लोग काफ़ी भीड़ में दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जो भी यहाँ आता है अपनी मनोकामना उसकी पूर्ति होती ही है। श्याम, आप सभी को तो आज मुझे बहुत ही खुशी है। श्याम बाबा जी का बर्थडे है, जैसे हमारा आता है वैसा इनका आता है, तो इनका भी हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, घर पे भी मनाएंगे और यहाँ पे भी मनाएंगे और काफ़ी मस्ती से आए हैं हम लोग, फुर्सत से आए हैं। मंदिर में शाम को कीर्तन है, हर द्वादशी के दिन यहाँ कीर्तन होता है श्याम बाबा के नाम का और लोगों में बहुत उत्साह रहता है कि बाबा का जन्मदिन आ रहा है। शाम को भी यहाँ पर ही भीड़ भाड़ के साथ यहाँ लोग कीर्तन में उपस्थित होंगे। बहुत अच्छा, मतलब बाबा का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। श्याम के जन्मदिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था हमें, जो कि आज आ चुका है, 12 नवंबर है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बाबा के दर्शन के लिए तो कभी भी आना जाना होता है। बाबा श्याम हमारे बहुत प्यारे हैं। सभी श्याम प्रेमी से यही कहना होगा कि बाबा का जयकारा लगाइए, बाबा की मानिए और हमारे बाबा को बहुत बहुत प्यार करिए। जय जय श्री श्याम। बाबा श्याम सबके हैं और जो जहाँ कहीं हार जाता है वो बाबा श्याम के चरणों में आता है और ये मान्यता है कि बाबा श्याम के चरणों में जो खाली हाथ आया वो अपनी झोली भर के ही गया है। बाबा श्याम के वहाँ से कोई भी कभी ना खाली हाथ गया है ना निराश होके गया है। बाबा को सब एक एक गुलाब का फूल चढ़ाने आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ इतनी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और आज बाबा का 31वां जन्मदिन है, जो पूरे श्रद्धा हर्षोल्लास से हम लोग मना रहे हैं। शाम को यहाँ भजन संध्या भी है और बाबा श्याम के भजन कीर्तन में सब लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और आप सभी भक्तों के साथ आप भी यहाँ आइएगा, बाबा का प्रसाद भी लीजिएगा। आ जाता है इनका जन्मदिन, बहुत प्यारे से भक्तों की भीड़ देखी अभी भी लगी पड़ी है। सुबह से वो 5 बजे से मंदिर खुल जाता है, उस समय से भीड़ लगी पड़ी है। श्रृंगार की करवा दिया है। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।